हेलो गाइस, मेरा नाम है गजेंद्र। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मेरे मारुति सुजुकी सेलेरियो जेडएक्सआई का 20,000, देख लो गाड़ी 309 किलोमीटर चल गई है और इसकी मैं अभी फोर्थ सर्विस पेड वाली करवा के लेके आया हूँ कंपनी से, ऑथराइज सर्विस सेंटर से। तो गाड़ी के अंदर क्या कुछ किया उन्होंने, क्योंकि गाड़ी 20,000 चल गई है तो इसके अंदर कूलेंट वगैरह सब चेंज किया उन्होंने, तो कितना बिल आया तो आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि कई बार सर्विस सेंटर वाले बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं। तो ये मिनिमम बिल है, आपको इतना बनेगा ही सैलरी की फोर्थ सर्विस के अंदर, ये मिनिमम बिल है। इससे ऊपर आपका बिल नहीं बनना चाहिए, अगर बनता है तो आपको वो वेस्टेज है बिल। तो मैं इसका बिल बता देता हूँ आपको एक बार पहले, और बता देता हूँ कि देखो मेरी गाड़ी के अंदर क्या कुछ अभी हो रखा है। एकदम मैं कल ही करवा के लेके आया हूँ इसकी सर्विस, और अभी पूरी गाड़ी की एकदम क्लीनिंग हो रखी है आज, और गाड़ी आज 100 किलोमीटर चल के भी आई है। गाड़ी की वो सर्विस होने के बाद गाड़ी आज 100 किलोमीटर चल के आई लगभग, तो ये थोड़ी गंदी भी हो गई है। तो इसका इंजन भी एक बार बता देता हूँ, क्यों गाड़ी उन्होंने पूरी एकदम क्लीनिंग की थी, वॉशिंग तो करते ही है, वो आपको पता ही होगा। तो गाड़ी का इंजन में देख लो एक बार, पूरा एकदम नया हो रखा है, आपको पता देख रहा होगा इसका इंजन में पूरा नया हो रखा है। और उस उन्होंने इंजन के अंदर क्या क्या चेंज किया वो बता देता हूँ आपको मैं एक बार। उन्होंने गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज किया, जो 3.5 लीटर के अप्रोक्स आता है मारुति का जेन्युइन, ये इंजन ऑयल चेक किया उन्होंने। और गाड़ी का ये ब्रेक बूस्टर ऑयल भी चेंज किया उन्होंने, ये रिप्लेस ही किया, टॉपअप नहीं किया उन्होंने। और गाड़ी का ये कूलेंट टॉपअप किया उन्होंने, रिप्लेस किया इसको, 1 लीटर कूलेंट इसके अंदर आया और 3 लीटर इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल दिया उन्होंने। तो 1 लीटर कूलेंट आया इसके अंदर और 3 लीटर डिस्टिल वाटर डाल दिया, और कूलेंट न्यू डाला इसके अंदर, गाड़ी के अंदर रिप्लेस किया उन्होंने, टॉपअप नहीं किया। और गाड़ी का बैटरी का लेवल चेक किया तो ये तो अभी सही है, और इसके अलावा यहाँ पे ब्रेक फ्लूड तो रिप्लेस कर दिया, और गाड़ी के अंदर ये वॉशर का यहाँ पे टॉपअप किया उन्होंने। और गाड़ी के नीचे से भी एक बार कंडीशन बता देता हूँ, क्योंकि नीचे उन्होंने गाड़ी का ये फिल्टर चेंज किया, ऑयल फिल्टर देख लो आप गाड़ी के अंदर नया दिख रहा होगा आपको, और गंदी थोड़ी दिख रही है क्योंकि गाड़ी थोड़ी कीचड़ में भी चली है। आज गाड़ी का 100 किलोमीटर चल के आई इसलिए थोड़ी कीचड़ के अंदर चली है। तो बाहर से भी इसका लुक देख लो, पूरी शाइनिंग मार रही है गाड़ी, एकदम नई चकाचक हो रखी है मेरी गाड़ी अभी। और इसका बिल बता देता हूँ आपको मैं, फोर्थ सर्विस के अंदर आपका सैलरी के अंदर इतना ही बिल बनना चाहिए, इससे ऊपर आपका बिल नहीं बनना चाहिए हमेशा आपकी गाड़ी का। गाड़ी का बिल देख लो, 1435 रुपये इसके अंदर लेबर चार्ज है। और ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर देख लो यहाँ पे मेरे एड्रेस है, तो मैं वहाँ पे हाइड कर दिया मैंने। तो टोटल बिल बना है इसके अंदर 4802 का सैलरी और पेट्रोल मॉडल का। इसके अंदर ये रिप्लेस हुआ है, एक तो इसके अंदर फिल्टर चेंज हुआ ऑयल वाला, कूलेंट, ब्रेक फ्लूड, स्पार्क प्लग चेंज हुए इसके, एयर क्लीनर चेंज हुआ इसके अंदर, और यहाँ पे डैशबोर्ड शाइनर का भी इन्होंने चार्ज कर दिया है। केबिन एयर फिल्टर, यहाँ पे भी एयर फिल्टर आता है, उन्होंने चेंज किया मारुति का जेन्युइन। और टोटल बिल इसके अंदर 4802 का बना है। तो ये जेन्युइन बिल है, आपको इतना ही बिल बनना चाहिए, अगर आपका इससे ज़्यादा बनता है तो वो बिल वैल्यू फॉर मनी नहीं है और वो वेस्टेज बिल है। तो इसके अंदर जो जो मेजर काम होने चाहिए वो हो गए हैं और 4802 का बिल बना है। तो सैलरी की फोर्थ सर्विस के अंदर इतना बिल बनता है तो मेरे हिसाब से ये वर्थ है, एक साल के अंदर इतना तो मेंटेनेंस आएगा ही पेट्रोल गाड़ी का।